हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एन ज्ञान। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मोस्ट पॉपुलर एसयूवीज के बारे में, जिसमें एक तरफ है टाटा की तरफ से न्यू नेक्सॉन ईवी मैक्स और दूसरी तरफ है एमजी ZS ईवी 2022। तो देखते हैं इनमें से कौन किस पे पड़ता है भारी। लेकिन उससे पहले लेट्स ड्रॉप आवर इंट्रो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही एसयूवीज के डायमेंशन के बारे में। जिसमें लेंथ की बात करें तो फिर टाटा नेक्सॉन की लेंथ है 3993 mm और एमजी की ZS ईवी की लेंथ है 4323। और ये एमजी ZS ईवी की लेंथ नेक्सॉन से 330 mm ज्यादा है। और विड्थ की बात करें तो फिर तो नेक्सॉन की विड्थ है 1811 और एमजी की ZS ईवी की विड्थ है 1809 और नेक्सॉन की 2 mm विड्थ ज्यादा है एमजी की ZS ईवी से। और हाइट की बात करें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स की हाइट है 1616 की और एमजी की ZS ईवी की हाइट है 1649 की। और एमजी की ZS ईवी की हाइट 33 mm ज्यादा है नेक्सॉन ईवी से। और व्हील बेस की बात करें तो फिर नेक्सॉन ईवी का व्हील बेस है 2498 mm और वहीं पर एमजी की ZS ईवी की व्हील बेस है 2581, जो की नेक्सॉन से 83 mm ज्यादा है। तो इसमें हम जैसे क्लियरली देख सकते हैं कि एमजी की ZS ईवी आपको ज्यादा लंबी मिलेगी नेक्सॉन से, ऊंची और उसका व्हील बेस भी ज्यादा है। वहीं पे विड्थ 2 mm नेक्सॉन की ज्यादा है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स की 350 लीटर की बूट स्पेस है और वहीं एमजी की ZS ईवी की 470 लीटर की बूट स्पेस है, जो कि नेक्सॉन से 120 लीटर ज्यादा है, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और आपको एमजी की ZS ईवी में बहुत ही अच्छा खासा बूट स्पेस मिल लेंगे। अगर हम टर्निंग रेडियस की बात करें तो फिर नेक्सॉन ईवी मैक्स का टर्निंग रेडियस 4.85 मीटर का है, वहीं एमजी की ZS ईवी का 5.60 मीटर का है, जो कि नेक्सॉन ईवी मैक्स से 0.75 ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि नेक्सॉन ईवी मैक्स को कम से कम एरिया में हम घुमा सकें। अगर बैटरी पैक की बात करें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में 40.5 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, वहीं एमजी की ZS ईवी में 50.3 किलोवाट आर की बैटरी मिल जाती है, जो कि नेक्सॉन से 9.8 किलोवाट आर ज्यादा है। और रेंज की बात करें हम तो फिर नेक्सॉन ईवी में हमें 437 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, वहीं एमजी की ZS ईवी में 461 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जो कि 24 किलोमीटर ज्यादा है नेक्सॉन ईवी से। लेकिन ये उतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है और ये बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। और अगर टायर साइज की बात करें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको R16 टायर मिल जाते हैं और वही एमजी की ZS ईवी में आपको 1 इंच ज्यादा R17 टायर्स मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो फिर नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको अच्छा खासा 105 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वही एमजी की ZS ईवी में 177 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि 28 mm कम है नेक्सॉन ईवी मैक्स से। अगर हम मोटर की बात करें तो फिर नेक्सॉन ईवी मैक्स का मोटर 143 PS की पावर जनरेट करता है, जिसकी वजह से 0 to 100 नेक्सॉन ईवी मैक्स सिर्फ 9 सेकंड्स में टच कर लेती है। वहीं एमजी की ZS ईवी की मोटर की बात करें तो वो 176 PS की पावर जनरेट करता है, जिसकी वजह से एमजी ZS ईवी 8.5 सेकंड्स में 0 to 100 मार्क अचीव कर लेता है, जो कि बहुत ही कम डिफरेंस है। और दोनों ही कार्स परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर का यूज करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं एमजी की ZS ईवी 33 PS की पावर ज्यादा जनरेट करती है कंपैरिजन टू नेक्सॉन ईवी मैक्स के। अगर हम पावर और टॉर्क की बात करें तो फिर नेक्सॉन ईवी मैक्स 141.04 BHP की पावर जनरेट करता है और वहीं एमजी की ZS ईवी 173.83 BHP की पावर जनरेट करता है, जो कि 32.79 BHP ज्यादा है नेक्सॉन ईवी मैक्स से। और टॉर्क की बात करें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और वहीं पर एमजी की ZS ईवी 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि 30 Nm ज्यादा है नेक्सॉन ईवी मैक्स से। और चार्जिंग की बात करें तो फिर नेक्सॉन ईवी मैक्स के साथ नया 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर आता है, जो कि 6.5 आवर्स में 0 to 100 चार्ज कर देगा। और आप नेक्सॉन ईवी मैक्स को 0 to 80% 56 मिनट में चार्ज कर पाओगे 50 किलोवाट के DC चार्जर के साथ। और अगर हम एमजी की ZS ईवी की बात करें तो 7.4 किलोवाट के AC फास्ट चार्जर के साथ आता है, जो कि 9 आवर का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में 0 to 100। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एमजी की ZS ईवी में हमें नेक्सॉन से बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है 50 किलोवाट आवर की। और आप एमजी की ZS ईवी को 50 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर से 0 to 80% 60 मिनट्स में चार्ज कर सकें।
अगर वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको IP67 रेटिंग मिलती है बैटरी और मोटर दोनों के लिए, और वहीं एमजी की ZSEV की बात करें तो उसमें आपको 69 IP रेटिंग मिलती है लेकिन वो बैटरी के लिए। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको ESP मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और उसके साथ ही हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। और नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और इसमें रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हाइड्रोलिक फीडिंग कंपनसेशन जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। और वहीं हम एमजी की ZSEV की बात करें तो उसमें हमें 6 एयरबैग्स, एडवांस सेफ्टी पैकेज मिल जाता है, हमें लेन चेंज असिस्ट मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिलता है, 360 डिग्री कैमराज मिलते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है हमें। और वहीं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में हमें न्यू मैक्राना बेज इंटीरियर मिल जाता है, लेदरेट सीट्स विद वेंटिलेशन मिल जाता है, एयर प्यूरिफायर मिल जाता है, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है और स्मार्ट वॉच इंटीग्रेशन भी मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। एमजी की ZSEV की बात करें तो उसमें हमें वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, 10 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, रियर सीट वेंट्स मिल जाते हैं। वारंटी ऑफर की बात करें तो हमें टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स में 8 ईयर और 1,60,000 किलोमीटर की बैटरी और मोटर की वारंटी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो एमजी की ZSEV में हमें 5 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है और 8 ईयर और 1,50,000 किलोमीटर बैटरी की वारंटी मिल जाती है। और अभी तक के कंपैरिजन में एमजी की ZSEV टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो डायमेंशन की बात हो, बूट स्पेस की बात हो, या फिर बैटरी पैक की बात हो, या फिर रेंज की बात हो। ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में एमजी की ZSEV टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स पर भारी पड़ रही है। लेकिन अब बात करते हैं प्राइसिंग, और यहीं से यह कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स 17,74,000 से स्टार्ट होकर 19,24,000 तक की आती है, और वहीं पे एमजी की ZSEV 22,00,000 से स्टार्ट होकर 25,88,000 तक जाती है, और इन दोनों ही गाड़ियों के बीच में प्राइस डिफरेंस जो है वो 4,26,000 से लेकर 6,64,000 तक का है, जो कि बहुत ही बड़ा प्राइस गैप है। और वहीं हम दूसरे मेन कैटेगरी की बात करें तो फिर वो है चार्जिंग। हमें टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स में फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू एमजी की ZSEV की, और जो दो मेन कैटेगरी है वहां पर हमें टाटा नेक्सॉन ईवी लीड करते हुए दिखती है। तो अगर हम एंड में बात करें तो कौन सी SUV किसके लिए अच्छी होगी, तो जिन्हें कम बजट में एक फुल्ली पैक्ड SUV चाहिए उनके लिए टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स बहुत ही अच्छा चॉइस है। और अगर किसी को बजट की दिक्कत नहीं है और उसे लग्जरी और एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो फिर उसके लिए एमजी की ZSEV काफी अच्छा पैकेज है। बट ओवरऑल दोनों ही काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करते हैं। और नेक्सॉन ईवी मैक्स के सारे ट्रिम्स की डिटेल्स यही स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, जिसे आप पॉज करके देख सकते हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।